नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच एक ऐसे शख्सियत हैं जो धनबाद में ही नहीं धनबाद के बाहर भी अच्छे खासे काम कर रहे हैं। ह्यूमैनिटी हेल्पिंग हैंड्स के ये संस्थापक और सह अध्यक्ष भी हैं। तो अभी हम इनसे बात करेंगे और इनके बारे में जानेंगे इन्हीं की जुबानी। तो नमस्कार। नमस्कार। तो आप बताइए कि आपका ये जो ह्यूमैनिटी हेल्पिंग हैंड्स है, ये किस तरह से आप इसमें जुड़े और कैसे आए? ह्यूमैनिटी हेल्पिंग हैंड्स संस्था लगभग 3 साल पहले 30 नवंबर 2017 को हम लोग इसका नींव रखे थे और हमारे साथ कुछ दोस्त थे जो सक्रिय थे संस्था को रन कराने के लिए। और अभी भी ये संस्था काफ़ी अच्छा चल रहा है और जिस सोच के साथ हम लोग इस संस्था का नींव रखे थे उसी उद्देश्य को लेकर अभी हम लोग बढ़ रहे हैं और निरंतर प्रतिदिन अपना काम को जरूरतमंद के हिसाब से जहाँ जरूरत है वहाँ हम लोग पहुँच के लोगों का मजबूरी को उनके जरूरत को ध्यान में रख के हम लोग काम कर रहे हैं। जैसा कि आपने बताया कि आपका ह्यूमैनिटी हेल्पिंग ट्रस्ट जो है वो 3 साल पहले आपने इसको स्थापित किया धनबाद में, अभी तक आपने कितने लोगों का मदद कर चुके हैं और साथ साथ में अभी जो एक बहुत बड़ा काल चल रहा है जो कि पूरा दुनिया इससे त्रस्त है COVID-19 का, इस पे आपने और आपकी संस्था ने क्या योगदान दिया? देखिए, 3 सालों से अगर हम लोग काउंटिंग करें तो लगभग 15+ हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप भी करवा चुके हैं और PMCH जलान दोनों को ही हम हमेशा कैंप दिए हैं। और रही बात COVID-19 कोरोना जैसे महामारी में, तो हमारे टीम के सहयोग से और जितने भी टीम मेंबर थे उन लोगों का अथक प्रयास से हम लोग पूरा COVID-19 और जब तक अभी तक रुके नहीं है, हम लोग जहाँ जरूरत वहाँ पहुँचे। जी हाँ, बहुत अच्छी बात है जो कि आपने और आपकी संस्था ने सभी जरूरतमंदों के उस समय में मदद की। अच्छा, आप अभी तक तो मैंने आपकी संस्था के बारे में पूछा, अब आप अपना पर्सनल जीवन के बारे में बताइए कि आपकी स्कूली शिक्षा, अगर आप कॉलेज में पढ़ाई की है फिर वहाँ, और ये जब हेल्प करने का जो बात आया था आपके दिमाग में किस तरह से आया एक स्कूली शिक्षा होने के बाद, क्योंकि अगर आप कोई जॉब करते हैं तो उसके बारे में भी बताइए। तो एक एक करके अपने बारे में बताइए। एक्चुअली मेरा नाम गौतम कुमार मंडल हुआ, आप तो जान ही रहे हैं, और मैं बेसिकली वार्ड नंबर 22 सुसनी लेवा से बिलोंग करता हूँ। और स्कूली शिक्षा की रही बात तो मैं गाँव के स्कूल में पढ़ा हूँ, मेरा एक प्राथमिक विद्यालय हुआ करता था गाँव में नागनगर, तो वहाँ मैं पढ़ा स्कूली शिक्षा 5 तक पढ़ा वहाँ। उसके बाद 7 तक, 5 से 7 तो पांडे बरुआ में एक राजकीय मध्य विद्यालय था पांडे बरुआ, वहाँ हम पढ़े 7 तक। 7 to 10 मैंने लोहार बरुआ में एक मंदाकिनी जगह है जहाँ पे मंदाकिनी हाई स्कूल है, उसमें मैंने 7 to 10 का पढ़ाई किया। उसके बाद वहाँ से पास आउट होने के बाद मैंने पीके राय में एडमिशन कराया। बस जब पीके राय में एडमिशन किया तो पहली बार मैंने शहर साइकिल से आया और वहाँ घूमने लगा, वहाँ चलने लगा, ट्यूशन पढ़ने लगा, वहाँ के लोगों को जानने लगा, वहाँ से जान परिचय मेरा बढ़ा। उसके बाद मैंने पढ़ाई के साथ साथ वहाँ हीरापुर में एक वॉलीबॉल कोचिंग सेंटर हुआ करता था, वहाँ पे मैंने वॉलीबॉल ज्वाइन किया। वहाँ से वॉलीबॉल ज्वाइन करने के बाद मेरा लाइफ में चेंजिंग आया, मैंने लोगों के प्रति पहुँच कर लोगों का मदद करने शुरू, जो सिलसिला रहा वो मेरा चलते रहा और वहाँ से ही मैंने अपना सामाजिक जीवन की शुरुआत की। क्योंकि मेरा दादाजी जब डेथ किए थे तो हमको लगता है उस समय मेरे दादाजी को हमने देखा कि रक्त की जरूरत पर अचानक नहीं मिला और ब्लड बैंक में आया तो बहुत तरह का सवाल उठा था, तो वहाँ से मेरे दिमाग में कुछ पिन ड्रॉप हुआ और उसी समय से मैंने एक्टिविटी ऐसा करना शुरू किया रक्तदान के प्रति, अभी तक मैं करता आ रहा हूँ कंटिन्यू। और सामाजिक क्षेत्र में तो मैं लगभग 10 साल से हूँ, जैसे मैट्रिक पास किया मैं अपने सामाजिक जीवन में। बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, आपने अभी इनसे सुना कि जब इनके जब दादाजी का तबीयत खराब था तो ब्लड का इनको कितना ज्यादा जरूरत था, उस समय इनको समझ में आया कि कितना ज्यादा रिक्वायरमेंट होता है उन जरूरतमंदों के लिए जो भटकते रहते हैं। तब इन्होंने उस समय संकल्प ले लिया कि अब मुझे कुछ ना कुछ करना है और उन लोगों का मदद करना है जिन्हें ब्लड नहीं मिलता है एट ए टाइम। तो आज ये जो अग्रसर हैं अपने लाइफ में, अपने जीवन में, ये बहुत ही सुखद घटना इन्हें अपने मुंह से बता दिए और इनके जुबानी जो आप लोगों ने सुना, आप लोगों को कैसा लगा आप लोग जरूर बताना। और इसके साथ साथ अब समय हो चुका है कि मैम यहाँ पर आए और वो इनको अपने हाथों से धन्यवाद। अब आप पहले बताइए कि आपको ये फोटो कैसा लगा? इस फोटो की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है और
तारीफ बनाने वाली की करिए। नहीं, मैं फोटो का पहले तारीफ कर रहा हूँ, इतने अच्छे तरीके से बनाया है, पूरा फिनिशिंग है, और जिसने उन्होंने बनाया है उन्होंने काफी सादगी से बनाया है, क्योंकि पहली बार मैं किसी फोटो में स्मार्ट लग रहा हूँ। ठीक है, ये सच्चाई है। सच्चाई तो ये कि अब है स्मार्ट। बहुत धन्यवाद इसके लिए आप लोगों को। आपने इनका चेहरा देखा और इनकी खुशी देखी। दोस्तों, हमारा यह मुहिम है, जो कि यह मुहिम बहुत ही खूबसूरत है, और पूरे धनबाद में ही नहीं, मैं पूरे भारत में चाहता हूँ, और जो देश के बाहर रहते हैं, हमारे देश के बाहर, पूरे ये पूरा समाज और ये पूरा का पूरा विश्व, हम लोग एकजुट हो जाएं, इस तरह का मुहिम के तहत सबको कुछ ना कुछ सम्मान दिया जाए। दोस्तों, हम लोग सम्मान देते हैं, हम लोग क्या कुछ ना कुछ गिफ्ट देते हैं, तो वो अलमीरा में ही रह जाता है, लेकिन अगर हम लोग इस तरह का कोई सम्मान दें तो हमेशा वो दीवारों में लगा रहेगा, और हमेशा मोटिवेट करते रहेगा कि नहीं, और भी हम लोग को कुछ करना है, और भी बहुत सारे जरूरतमंद लोग के लिए कुछ ना कुछ करते रहना है। इस तरह का जो मुहिम है हमारी आयुष फाउंडेशन चला रही है धनबाद में, और ये नया पहल हुआ है पूरा भारत में, और ये बहुत ही खूबसूरत है। तो आपने देखा कि इनका इम्प्रेशन कैसा था, लेकिन उसके बावजूद भी मैं पूछ लेता हूँ कि क्या आप इसके बारे में सोचते हैं, ये पेंटिंग के बारे में, और भी सोशल वर्क जो हैं उनको किस हिसाब से देना चाहिए, आपका व्यू क्या है? अप्रिशिएट करना बहुत बड़ी अच्छी बात है, बहुत बड़ी चीज है, और ये पहल अगर आप लोगों ने लागू किया है, धरातल पर उतारा है, तो इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और गणेश जी को तो मैं कम शब्दों में बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये आपकी पहल चलते रहना चाहिए, और सिर्फ मैं ही नहीं, जितने भी सामाजिक स्तर से सामाजिक क्षेत्र में लोग हैं, उन सभी संस्थाओं के लोगों को आप सम्मानित कीजिए, साथ ही साथ उन सभी पत्रकार बंधुओं को भी आमंत्रित कीजिए, सम्मानित कीजिए, जो लॉकडाउन COVID-19 जैसे महामारी में वो अपना जीवन किस तरह से जनता के लिए झेल कर जोखिम उठाते हुए उन लोग। जी हाँ दोस्तों, अभी अभी आपने इनकी बात ही सुनी, और ये जो बता रहे हैं ये सच बात है, जो कि सबको मिलना चाहिए, जो इसके हकदार हैं, जिन्होंने COVID-19 के इतने बड़े महामारी के समय में सबको सहयोग किया, वो हकदार बनते हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि इस तरह का जो हम लोग का मुहिम है, आयुष फाउंडेशन का जो मुहिम है, आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। हमारा जो वीडियो है और भी आप लोग जाकर देख सकते हैं कि हमने किन किन यहाँ पर धनबाद में जो चेहरे हैं, वो चेहरों को हमने निकाला, और फिर हम लोग उनका सम्मान कर रहे हैं, आप जाकर देख सकते हैं, और बाकी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और अभी के लिए हम लोग चलते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को एक नया चेहरा दिखाते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।